ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी या धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर, माता लक्ष्मी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जिससे धन धान्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है और भक्तों की धन दौलत में 13 गुना वृद्धि होती है। इसके साथ ही इस दिन सोने, चांदी और बर्तनों के साथ कई चीजों की खरीदारी काफी शुभ मानी जाती है। इन्हीं में से एक चीज है पीतल। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात 10 नवंबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश के साथ साथ कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। सनातन धर्म में धनतेरस के दिन खरीदारी करना काफी शुभ माना गया है, इसलिए बड़ी संख्या में धनतेरस के दिन लोग खरीदारी भी करते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन पीतल की खरीदी करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि सनातन धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। इस दिन विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी पीतल का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन खरीदने का ज्यादा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि पीतल खरीदने से घर में सौभाग्य आता है और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। अन्य मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी को पीतल का अक्षय पात्र वरदान में दिया गया था। वहीं यह भी माना जाता है कि देवी देवताओं के लिए भोग की वस्तुओं को पीतल के बर्तनों में ही रखना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर की कृपा बनी रहती है, इसलिए इस बार आप धनतेरस पे कुछ भी खरीद रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि पीतल की चीज जरूर खरीदें। धनतेरस पर भूलकर भी कुछ सामान हैं जो आपको गलती से भी नहीं खरीदने हैं। आपको बता दें कि धनतेरस के अवसर पर सोना चांदी की खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन आप जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए लोग बर्तन के साथ साथ सोना और चांदी की खरीदारी भी करते हैं। वहीं धनतेरस के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको भूल कर भी नहीं खरीदनी, जैसे स्टील, प्लास्टिक, लोहे और धारदार और नुकीली चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना गया है। जी हाँ, धनतेरस के दिन आपको ये सारी चीजें भूलकर भी नहीं खरीदनी है। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादकों जैसे घी, रिफाइंड आदि भी खरीदना बेहद अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि तेल, घी आदि धनतेरस के पहले ही खरीद लेने चाहिए। धनतेरस के दिन गलती से भी धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, सुई बिल्कुल भी ना खरीदे। कहते हैं कि इस दिन धारदार और नुकीली वस्तुएं खरीदने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, इसलिए आप भूलकर भी ये सारी चीजें ना खरीदें। कोशिश कीजिए अपनी क्षमता अनुसार, अगर आप खरीद सकते हैं तो सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो आप पीतल की कोई वस्तु जरूर खरीदें। और धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीदी जाती है, इसलिए इन सब चीजों के साथ आपको याद रखना है कि धनतेरस के दिन आपको एक झाड़ू जरूर खरीदनी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।